कुछ दिन पहले GTA 6 का ट्रेलर आया एंड उसमें काफी बढ़िया चीजें थी। Well, then I thought, क्यों ना MCPE को GTA बनाए, एंड अगर सोचा है तो करना भी पड़ेगा, तो चलो करते हैं। तो GTA बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सुंदर कन्या, खून खराबा, तो वी नीड GTA की गलियां। सो इसीलिए आई गॉट GTA 5 का मैप। पर भाई तू GTA 6 बना रहा था? वो एक्चुअली रॉकस्टार वाले मेरे रिश्तेदार नहीं है, एंड मेरे को लगा नहीं था कि MCPE में पूरा मैप मिल जाएगा। लाइक इस मैप में GTA के सारे बिल्डिंग्स, लोकेशन सब है, एंड ये वाली जगह भी है। एंड इसमें और चार चांद लगाने के लिए आई एडेड अ शेडर, एंड जावा वाले प्लीज कमेंट मत करना शेडर की तरह। एंड सिटी के बाद आई एडेड कैमरा पर्सपेक्टिव। पहले जो तुमने डिफरेंट शॉट्स देखे वो इसी के देन है, तो तुम्हें बस एक स्टिक पे होल्ड करना एंड तुम्हें लिटरल बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। बट GTA वाली फील के लिए तुम डायनेमिक TPP 102 यूज कर सकते हो, एंड ये कुछ ज्यादा ही प्यारा लग रहा है। प्यारा सुन के सामने वाले अंकल की बेटी याद आ गई, इतने छोटे मारू। तो ये वाला मोड गेम में जान डाल देगा, एंड ये है GTA UI। सो इसमें तुम्हें वर्किंग GTA संडास नशे करके लिखता हूँ मैं, आई मीन GTA San Andreas का UI मिल जाएगा, एंड ये बिल्कुल वर्किंग है। XP बार से लेकर आर्मर एंड इवन हेल्थ भी। एंड UI ऐड करते ही मेरे को एक और UI याद आया, जो की है, तो या इसमें है GTA डेथ एनिमेशन विद साउंड। काश ऐसे मैं रियल लाइफ में कूद सकता। एंड अगर तुम्हें डिप्रेस जोक सुन के लगता है कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, नहीं, मेरे को दूसरों को डिप्रेशन देने में मजा आता है। तो इट कैन नॉट बी GTA विदाउट दोस बिग NPCs। सो आई एडिड टू मॉड्स। तो फर्स्ट वाला तुम्हारी लोडिंग स्क्रीन चेंज कर देता है, एंड इसके साथ काफी करेक्टर्स भी। मुझे सबसे पहले मिले स्क्विड गेम वाले चचा, एंड देन ये बिग ब्लैक निक, एंड ये पुलिस वाला जो कि गैंग वालों के साथ रिंगा रोजेस खेल रहा था, एंड इवन मेन कैरेक्टर जैसे कि फ्रैंकलिन, ट्रेवर, एंड वेट, ये कौन है? नॉस्टैल्जिया मोमेंट भाई। एंड इवन CJ भी है, और ये सारे गैंग वाले आपस में बिट भी जाते हैं। तो ये सेकंड मोड अपने विलेजर्स को चेंज करके लोगों जैसा बना देता है। वेट, एड शेरन, और भाई तू बुढ़ा है कि तू बच्चा है? एंड देन मुझे मिली है क्यूटी। मेरे साथ बेसमेंट में चलोगी, वहाँ पे मैं कुछ दिखाऊंगा। क्या देखा? कुछ महसूस कराऊंगा। एंड मेरे को मत बताना कि ये बच्ची लग रही है, बिकॉज किसी महान पुरुष ने कहा था, एनीथिंग आफ्टर 12 इज लंच। एंड और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको तुम GTA के NPC की तरह यूज कर सकते हो। एंड इसके बाद मैं स्किन डालने वाला था, बट वो GTA मोड सारे क्रिएटर की स्किन भी ऐड कर देता है। तो अब तुम्हारी मर्जी है, अपनी स्किन लगानी है कि इनकी भी। अपना थोड़ा थोड़ा GTA वाला लुक आ रहा है, एंड आरा से याद आया, आरा आई एम सो क्रिंज। एंड इसी लुक को इम्प्रूव करने के लिए आई गॉट प्लेयर एनिमेशन, एंड नाम से पता चल रहा है। इसको एक्टिवेट करने के बाद तुम्हारे चलने की, भागने की, एंड इवन वेपन यूज करने की, इसको देख के वो गाना याद आ गया, आज पत्थर चाक लैंड, एंड इवन उड़ने की एनिमेशन भी सही हो जाती है, एंड तुम्हें पता भी नहीं लगा। और मैंने चुपके से एक और मोड डाल दिया, डायनेमिक सराउंडिंग। ये बेसिकली तुम्हारे एनवायरनमेंट और ब्लॉक्स सब की साउंड को सही कर देता है, जिससे बिल्कुल रियलिस्टिक फील आती है। एंड ये मोड पिछले वीडियो में भी था, तो मैं बोर नहीं करूंगा। एनिमेशन वाली थीम को कंटिन्यू करते हुए मैंने डाला मॉब एनिमेशन, एंड ये सारे मॉब्स को काफी प्यारी एनिमेशन दे देता है, कुछ को प्यारी नहीं भी देता। बट इसको लगाने के बाद मैं जितने एंटिटी स्पॉन कर रहा था लैग उतना ही बढ़ रहा था, एंड अपना फोन ना फटाने के लिए मैंने इसको रिमूव कर दिया। बट अगर तुम्हारे पास हाई एंड फोन है तो कर लो, बट तुम्हें ऑलरेडी पता है मैं तो, एंड तुम्हारा तो पता नहीं, बट मेरा फेवरेट गन्स, मैं घर आके मारूंगा अगर किसी ने कमेंट किया जम्मू से इसलिए गन्स पसंद है। तो ये वाले गन्स मोड में काफी सारी 3D गन्स है, विद OP अटैक्स, एनिमेशन, एंड सबसे तगड़ी चीज, तुम पूरी गन को कॉस्ट्यूमाइज कर सकते हो, स्कोप चेंज कर सकते हो, सप्रेसर लगा सकते हो, एंड इवन ग्रिप और लेजर भी। एंड ये सब चेंज करने के लिए 4 स्लॉट्स हैं, एंड इतने पे खत्म नहीं हुआ है। अपने पास है नए ब्लॉक्स जो कि तुम्हें वॉर वाली फील देंगे। एंड अगर सोच रहे हो इतने पे खत्म हो गया, तो नहीं, अपने पास एक्सप्लोजिव भी है, मेरे तो घर पे भी पड़े हैं। एंड एक्सप्लोजिव से मेरा मतलब और ग्रेनेड्स, बट इन सबसे ज्यादा एक्सप्लोसिव फायर वाली मैम है। अब मुझे काफी हद तक GTA वाला लुक दिख रहा है, बट कुछ कमी है। यस, व्हीकल्स। तो इनके लिए आई एडिड 1, 2, 4 मॉड, जो कि एक से बढ़कर एक व्हीकल ऐड करते हैं। और सबसे पहले मेरा और एंड्रयू टट्टे का फेवरेट बुगाटी। एंड अब अगर ये टकलू मेरे से पूछेगा व्हाट कलर इज योर बुगाटी, तो मैं बोल सकता हूँ विच वन। इसके एनिमेशन तुम्हारी क्रश की तरह सुंदर, एंड इवन इसकी स्पीड भी। एंड अब मेरे पास शब्द खत्म हो गया, तुम देख लो। एंड सेकंड और थर्ड मोड ऐड करते हैं नॉर्मल व्हीकल्स, जैसे कि बाइक, साइकिल, बुलडोजर, एंड इवन अपने पास अलग अलग कार्स भी हैं। एंड हवा में उड़ने के लिए बैलून नंबर 1, 2 और 3 भी है, और प्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर भी है, एंड एक रियलिस्टिक कार तो हो गई, बट प्लेन भी बनता है। सो दैट्स व्हाई आई एडेड बोइंग 727, एंड ये रियल मीम से बिजार रियल लगता है। लाइक इसके एक्सटीरियर से लेके इंटीरियर तक सब कुछ काफी ज्यादा डिटेल्ड है। काश इतनी डिटेलिंग भगवान ने मेरे फेस में की होती, एंड आज मेरा बचपन का पायलट बनने का सपना पूरा हो। एंड अब अपने पास सब कुछ है, गन्स, मैप, कैरेक्टर, एंड इवन व्हीकल्स तक। बट
एक चीज रहती है तो देवियों और सज्जन आखिरी चीज क्या है? और आप क्या ऑप्शंस हैं? ये वेल मुझे पता है तुमने क्या चूज किया है बट ये है ऑप्शन सी एंड इसके लिए मैंने ऐड किया है मॉडर्न फर्नीचर एंड इसमें काफी कुछ है मॉडर्न लाइट्स सोफा टेबल टीवी एंड इवन छोटी छोटी चीजें जैसे कि कारू गर्ल्स वन कप याद आ गया बुक्स ब्लैक बोर्ड एंड इवन पूरा का पूरा गेमिंग सेटअप विद ट्रिपल मॉनिटर्स मतलब काश ऐसा रियल लाइफ में होता मैं मॉड इंस्टॉल करता और मेरे पास ट्रिपल स्क्रीन वाला मॉनिटर आ जाता एंड इनसे तुम लोग काफी कुछ बना सकते हो जैसे कि मैंने बनाया लिविंग रूम यहाँ पे मैं काम से आके टीवी देखता हूँ डोंट आस्क मी कौन सा काम एंड ये पढ़ाई रूम जिससे मैं 10 फीट की दूरी मेंटेन करता एंड लड़कियों के लिए सबसे सही जगह किचन लीड्स कंप्लीट हमने एमसीपी को बना दिया है जीटीए एंड अब बस इनको अपने वर्ल्ड में लगाओ और मजे करो क्योंकि जीटीए खरीदने के पैसे तुम पे है नहीं मेरे पे भी नहीं है एंड नाउ समथिंग सीरियस तुम्हें पता है मैं आजकल कंसिस्टेंट नहीं हूँ एंड वीडियोस काफी टाइम बाद आते हैं एंड तुम्हें रीजन भी पता होगा कि मेरे 12th के बोर्ड हैं एंड मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ तो अभी पढ़ना पड़ेगा एंड इसकी वजह से व्यूज भी कम आ रहे हैं बट कोई ना 2024 में कम बैक काफी तगड़ा करेंगे हम एंड ये मैं हवा में नहीं बोल रहा हूँ मैंने सब कुछ प्लान कर रखा है सेकंड चैनल वेबसाइट IRL कंटेंट सब कुछ प्लान है नेक्स्ट ईयर के लिए तो 2024 अपना साल है टेंशन ना लो एंड अगले साल हम भी शायद 100K हिट करेंगे शायद पक्का हिट करेंगे एंड जितने भी लोग मेरे साथ हैं साथ बने रहना लव यू ऑल एंड जो नहीं जुड़ेंगे उनको भी लव यू मतलब जितने भी हो सबको लव यू एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग जो भी तुमने लाइक मेरे लिए किया तुम्हें लगता है मैंने तो बस वीडियो देखा बट बहुत हेल्प किया तुमने मेरी थैंक यू एंड अगर तुम अभी तक रुके हो तो तुम्हारे लिए एक गाना इंकी पिंकी पोंकी डैडी बॉट डोंकी डोंकी डाई डैडी क्राई इंकी पिंकी पोंकी